वाही पांधी मासूम बच्ची को संसार करने का मामला। HRJDA न्यूज असल हकायक से पर्दा उठाती है। बच्ची की कब्र कुशाई के बाद मेडिकल बोर्ड ने मकतूला शम्मांगुल को संसार करने का तासर रद्द कर दिया। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जोई की निगरानी में मकतूला बच्ची शम्मांगुल की कब्र कुशाई करके सिंपल लेबोरेटरी भेजे गए, जिस पर इब्तदाई रिपोर्ट में मेडिकल बोर्ड ने संसार के तासर को रद्द कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सरदार ज्यादा अमीर बीबर खान रिंद ने अपने तरदीदी बयान में कहा कि मेरा इस वाक्य से कोई ताल्लुक नहीं, जिस वक्त ये वाक्य पेश आया मैं बलूचिस्तान में था। मैंने भी मुझे भी ये सारी बातें फेसबुक के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू और लोकल न्यूज़पेपर के थ्रू पास चल रही है। मैं भी इस मौके से इस मसले के बारे में आगाह नहीं था। कल रात ही कुछ ये जैसे ही फेसबुक पे ये चीज़ें ज़्यादा अपडेट होती गई हैं, जैसे ही रूमर्स बढ़ते गए तो मेरी नॉलेज में भी है, तो मैंने SP साहब से भी बात की इसी हवाले के बारे में। तो फिर मुझे कुछ दोस्तों ने, कुछ साफियों ने बताया कि मेरा नाम भी शामिल किया जा रहा है। पहले इसमें वो आ रहा था कि सहकारी का मसला हुआ है और उस वजह से बच्ची को मार दिया गया। मैं भी यही सुनने में यही आ रहा था मेरे भी। फिर ये आ रहा शुरू हो गया नेट फेसबुक पे कि मेरे नाम की मैंने जिरगा किया था, मैंने फैसला किया था और ये मैंने फतवा दिया था। हालांकि मैं सबको आगाह करना चाहूँगा कि इसमें मेरा कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है। मैं तो यहाँ पर था भी नहीं, मैं तो बलूचिस्तान में था, अपने काम की वजह से मैं बलूचिस्तान में था। जिस दिन ये बच्ची वफात पाई है उसी दिन मैं शायद सिंध में आया हूँ। तो मैं ये जो एलिगेशन मेरे खिलाफ लग रहे हैं, मैं इनको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल भी झूठ है। और क्योंकि बाय इलेक्शन अभी रिसेंटली हुए थे और मैंने अपने ख़ुद भी वर्क किया था और मैंने सारे पूरे रिंद कॉम को पाबंद किया था कि मेहरबानी करके PTI को वोट किए, जिस तरह आपको पता है हम लोग खुद भी PTI के हैं। तो रिंद कॉम ने वाही पांधी में पीपल्स पार्टी को भारी वोटों से शिकस्त दी थी, तो ये उसी का ही बैकलैश है और उसी का ही हमसे हिसाब किताब लिया जा रहा है। और वहाँ पे जब मुझे ये चीज़ नॉलेज में आई तो मैंने वहाँ के इलाके के बंदों के कॉल की, उनसे मैंने पूछा, जिस तरह दोस्तों से, दूसरे कबीलों से, वडेरे मोहतपुरों सबसे मैंने बाल किया, भाई ये मसला क्या है। तो जितना मेरी नॉलेज में है कि ये जो काला काली के जो इल्ज़ाम ही हैं यही सारे झूठ हैं। फैसले की बात तो झूठ है ही है क्योंकि वो तो उसका गवाह तो मैं खुद हूँ। अगर ये सारे काला का मसला जो छेड़ रहे हैं, सारा का सारा झूठ है। इलाकों के मोहतपुर मुझे ये बताया कि वो बच्ची खुद माल चारते हुए, जिस तरह आपको पता है वो खानों बदोश होते हैं, वो उनका सारा कारोबारी माल के साथ होता है। तो ज़्यादातर खाना बदोश ऐसे करते हैं, अपनी छोटी छोटी बच्चियाँ या बच्चे होते हैं उनको माल के साथ भेजते हैं। तो ये बेचारी बच्ची वहाँ से स्लिप होके गिरी है और मेरे ख्याल से उसका सर कोई पत्थर में लगा है, वहीं पर वो अपनी जगह पर वफात पा गई। तो उनके वालिद साहब ने और उनकी मदर ने, मोहतरम ने मेहरबान आके यहाँ पे वाही पांधी में ऐलानात भी कराए हैं, कफन भी लिया है, मौलाना साहब को भी उठाया है, जानमाज भी कराए। हालाँकि लोगों को ये इलम में नहीं होगा कि अगर बलोची दस्तूर के हिसाब किताब से अगर आप किसी को काला काली के इल्ज़ाम में लड़का या लड़की को अगर आप मारते हो तो उसका कफन दफन और नमाज जनाजा और खैरात ये नहीं होते, ये तो बलोची दस्तूर के ख़िलाफ़ है। हालांकि जैसे आपको खुद पता है कि मौलवी साहब ने भी गवाही दी, उनके वालिद साहब ने भी, उनकी मदर मोहतरम ने भी यही गवाही दी है जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि बच्ची खुद स्लिप होकर गिरी है और बेचारी वहीं पे अपनी जगह पे इंतकाल कर गई, वो अस्पताल तक भी नहीं आ पाई बेचारी। अब ये हमारे मुखालिफ रिपोर्टरों ने एक बहाना ढूंढ के और हमारे ऊपर वो निशाना करने की कोशिश की है, लेकिन मैं सब अपने रिपोर्टरों भाइयों से और दूसरे भाइयों से जो फेसबुक पे हैं उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेहरबानी करके अपने बगैर अपने किसी तफ्तीश किए, बगैर किसी गवाहों और सबूतों के ये चीज़ें रिपोस्ट और ये शेयर ना करें, क्योंकि आपकी इसी वजह से, आपकी शेयर करने की वजह से और सही इलम ना फैलाने की वजह से एक माँ जिसने, एक बाप और एक मौलाना साहब जिसने, जिनने कुछ, जिनका कोई भी काम नहीं है इससे, जिसका, जिन बेचारों ने अपनी बेटी खोई है वो आज जेलों में पड़े हैं, भुगत रहे हैं। एक बलोच औरत जिस बेचारे ने 10 दिन भी नहीं हुए जिसको अपनी बेटी खोए हुए, वो आज जेलों में बैठी अपनी गवाहियाँ देती फिर रही है, सबूतियाँ देती फिर रही है। हालाँकि 10 दिन हो गए केस चल रहा है, ये मसला चल रहा है, नहीं एक गवाह या सबूत मेरे खिलाफ आ चुका है, नहीं एक गवाह या सबूत उस बच्ची के खिलाफ आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ये सारी गवाहें और इनका सपोर्ट क्या है, बैकबोन क्या है, बस यही जो आप पोस्टें देख रहे हैं फेसबुक पे यही है। तो मैं सब इलाके के सब जिन बंदों ने ये फेसबुक पे पोस्ट देखी, सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरी कि मेहरबानी करके बगैर तफ्तीश के, गवाहों के, ये चीज़ें रिपोस्ट नहीं करें। आपके इस रिपोस्ट करने के
बहुत सारे लोगों पे बहुत बहुत असरात होते हैं, बहुत सारे लोगों की जिंदगियों पे बहुत बहुत गलत गलत असरात होते हैं। एक सहाफी की झूठी खबर ने मजलूम बच्ची के माँ बाप को जेल पहुंचा दिया। ह्यूमन राइट जस्टिस एंड डिफेंडर ने एसएसपी दादू और आईजी सिंध से मुतालबा किया कि इस गैर जिम्मेदार और करप्ट सहाफी के खिलाफ फिलफोर और भरपूर कार्रवाई की जाए। एचआरजेडीए न्यूज से अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एचआरजेडीए न्यूज।